हेलो मित्रों, मैं आपके प्रदेश कोठारी। इस वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी सीआईपी में इलाज करवाना चाहते हैं, अपने परिवार लोगों के लिए नहीं तो खुद अपने लिए इलाज करवाना चाहता है उन लोगों के लिए मैं विशेष टिप्पणी लाया हूँ। सो ये वीडियो अंतिम तक देखिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा ये वीडियो देखने से। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। मैं अभी बहुत वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ मेंटल हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। सो आज के टॉपिक में गए तो आप सीआईपी में इलाज करवाना चाहते हैं तो पहला आने से इधर आके आप रजिस्ट्रेशन करवाने से बगैर आप घर में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उससे आपको दो फायदा होगा, एक है कि आप लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं, उसकी वजह से आपका एनर्जी नहीं वेस्ट होगा। अदरवाइज आपका मरीज डिस्टर्ब है समझ लीजिए, डिस्टर्ब है तो आप लाइन में खड़ा नहीं हो पाएंगे, उसके लिए आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर ले तो ये आपको फायदा होगा। आपको पता नहीं कैसे ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, सो मैं ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप सर्च करिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है, आप ओपीडी बेस्ड इलाज करवाना चाहते हैं तो अदरवाइज इनसाइड पेशेंट को भर्ती करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे डॉक्टर लोग और स्टूडेंट लोग आपको वर्कअप किया जाएगा, उसके लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटा हो सकता है। आपको साइकियाट्रिक पेशेंट है तो हम पूरा क्लियरली हिस्ट्री लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटा हो सकता है, अदर एटलीस्ट 2 घंटा तो आपको लगेगा। यहाँ को आने से पहले आप डिसाइड होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको 1 दिन तो आपको लगेगा ही लगेगा। 1 दिन डिसाइड करके आ जाइए। डिस्कशन के बाद हमारे डॉक्टर लोग अदरवाइज हमारे स्टूडेंट कंसल्टेंट जो भी लोग आपको पेशेंट को देख रहे हैं वो लोग तय करेंगे कि मरीज को अंदर भर्ती करने का ज़रूरत है कि अदरवाइज ओपीडी बेस्ड ही हम इलाज उनको करवा सकते हैं। मरीज बहुत डिस्टर्ब नहीं है तो अंदर भर्ती करवाने का जरूरत नहीं है, सो हम ओपीडी से ही उनको इलाज करवाएंगे। महीना महीने दवाई लिखे जाएगा, आपको खरीदना पड़ेगा। अंदर जो भी मरीज भर्ती हो रहा है उनके लिए दवाई फ्री में मिलेगा, मगर जो ओपीडी बेस्ड आपको इलाज चल रहा है वो लोगों के लिए दवाई आपको बाहर से आपको खरीदना पड़ेगा। उसके लिए आप पैसों का बंदोबस्त करके आना चाहिए। हो सकता है कि आपको 1000 से 2000 तक आपका पैसों दवाई के लिए हो सकता है। यहाँ पे डॉक्टर लोगों के लिए कुछ पैसा नहीं लगेगा, ओनली आपको दवाई के लिए पैसा आपको अपने साथ लेके आइए। हाँ, और एक नेक्स्ट है कि जो आप यहाँ पे जो भी मरीज लोग और जो भी परिवार लोग आने वाला है बहुत दूर से आते हैं। बहुत दूर से जो लाइक हो सकता है कि वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, इधर छत्तीसगढ़ से हो सकता है, उड़ीसा से हो सकता है, इधर कर्नाटका तेलंगाना से जो भी स्टेट से आ रहे हैं, आप ध्यान में रख लेना चाहिए कि आप 2 फर का नहीं तो 3-4 बजे का ट्रेन और आपका बस और आपका फ्लाइट बुक नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए कि लास्ट फ्लाइट होने दीजिए, लास्ट ट्रेन होने दीजिए, लास्ट बस होने दीजिए, तब है तो वो बुक कर दीजिए। उससे हमारे को ये फायदा होगा कि हमारा केस कब वर्कअप फिनिश होगा हमारे को पता नहीं, उसके लिए 2-3 घंटा समय लगेगा, हमारा बारी कब आएगा वो पता नहीं। आप लोग जल्दी आपका ट्रेन टिकट आप बुक कर लिए, 4 बजे, 3 बजे, अगर 2 बजे आप बुक कर लिए तो आपको केस वर्कअप नहीं है तो आपका वो कैंसिल होने का, आपका ट्रेन मिस होने का संभावना है, उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल आप लॉस होते हैं। कोशिश करें कि लास्ट बस, लास्ट ट्रेन, लास्ट फ्लाइट कब होगा वो आप बुक कर लीजिए, ठीक है, ये होगा। और उसके साथ जो लोग भी अपने मरीज को लेके इधर आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे विंटर है, यहाँ पे बहुत ठंड रहेगा, झारखंड में से कान के में बहुत ठंड रहेगा। विंटर में लाइक ये सर्दी का समय में आप उनके लिए स्वेटर होने दीजिए, कैप होने दी, अपने लिए भी थोड़ा स्वेटर और कैप आप लेके आइए, इससे आप ठंड से आप बच सकते हैं, एक होगा। और जो लोग अपने मरीज को अंदर भर्ती करवाना चाहते हैं उनके साथ 2 लोगों के 2-3 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा। उनके लिए यहाँ पे पहला हम उनके कोविड टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उनको इमरजेंसी वार्ड में नहीं तो आरएसी वार्ड में रखेंगे, उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम अंदर मरीज को अंदर शिफ्ट करेंगे। उसके बाद परिवार के लोग बाहर जा सकते घर को जा सकते हैं, हम उनको मरीज ठीक होने के बाद हम फ़ोन करके बुलाएंगे तब आना है। अंदर में एक्चुअली दो टाइप के हमारे वार्ड्स होता है, लेकिन एक होता है कि फर्स्ट क्लास, एक होता है कि सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास आपको पे करना पड़ेगा कि 900 से 1200 तक आपको पे करना पड़ेगा, सेकेंड क्लास में 300 तक आपको पे करना पड़ेगा 1 महीना के लिए। यहाँ पे हम 2 महीने के लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। 2 महीने के लिए आपको लाइक हो सकता है कि अब तो सेकंड क्लास में हम पेशेंट को हम भर्ती कर रहे, समझ लीजिए कि आपको 600 आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। 600 डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आने वाले जाने वाले एक इंसान का ट्रेन टिकट के लिए भी वो भी आपको यहाँ पे मनी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो
जो मनी बच रहा है वो आपको डिस्चार्ज के समय में आपको रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। सो एक हो गया, सो जो ये अंदर भर्ती करने वाले लोगों को लिए ये है, और इसके साथ साथ जो भी अपने मरीज को अपने साथ लेके आ रहे हैं, उनका जो भी पहला आप दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास गए होंगे, उनका ब्लड चेकअप किए होंगे और उनका MRI किए होंगे, उनका सीटी स्कैन, जो भी रिपोर्ट्स आए वो रिपोर्ट लाना बहुत ज़रूरी है। वो रिपोर्ट्स लाने से अपने डॉक्टर लोगों को समय भी थोड़ा बच जाएगा, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा हम रिपोर्ट्स के लिए नहीं तो कुछ और टेस्ट के लिए हम नहीं लिखेंगे, अदरवाइज ऑलरेडी कुछ दवाई उनके ऊपर चल चुका है, वो दवाई अभी काम नहीं करे तो हम दूसरा दवाई लिखेंगे। सो इससे ये फायदा होगा कि हम ऑलरेडी वो दवाई चल चुका है, ये दवाई ये मरीज के ऊपर काम नहीं कर रहा, हम दूसरा दवाई स्टार्ट कर सकते हैं, ये होगा है। सो और इसका वजह से लाइक मरीज का दवाई लेने का तरीका कैसा है, सो दवाई कंटिन्यूसली ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अदरवाइज नहीं ले रहा है तो हम उनको भर्ती करके हम दवाई रिस्टार्ट करेंगे, उसके हिसाब से भी हम उनको दवाई, ये भी होगा। सो आप अपने जो भी प्रिस्क्रिप्शन है आप उनके साथ लेकर आइए, जो भी रिपोर्ट्स है उनके साथ लेकर आए तो आपको बहुत फायदा होगा, एक होगा। सो आने के समय में अपने लिए थोड़ा वाटर बॉटिल आप अपने साथ लेकर लीजिए। सो यहाँ पे तो वाटर रहेगा अपनों खरीदने के लिए, सो आपको वाटर के लिए दो हर बार खरीदने के लिए 20 रुपये 30 रुपये आपको एक्स्ट्रा अमाउंट आपको इधर बाहर खरीदना पड़ेगा, वेस्ट हो जाएगा। सो हमारा ऑलरेडी हॉस्पिटल में आपको फिल्टर वाटर मिलेगा, अपने अपने साथ बाटिल खरीद लेकर आइए, ठीक है। सो इसके साथ साथ आप अदरवाइज आपको हम ऑलरेडी अंदर मरीज को भर्ती करवाना चाहता है तो मैं बोलता कि हम उनको RSC वार्ड में रहते, इमरजेंसी वार्ड में हमको उनको रखेंगे। सो उधर रखने के लिए उनके साथ दोनों को तो उनके साथ रहना है, जो दोनों कोई भी उनके साथ रह रहे हैं उनके लिए यहाँ खाना और बेड नहीं मिलेगा, ओनली मरीज के लिए फ्री खाना, मरीज के लिए बेड मिलेगा। सो परिवार लोगों को एडजस्ट होना पड़ेगा, सो परिवार लोग अपने खाने के लिए बाहर बंदोबस्त करवाना चाहिए, उसके लिए भी अपना जितना भी पैसा होगा, जितना भी आप खाएंगे अपने हिसाब से अपने साथ, सो पैसों का सुविधा करके लिखाइए। सो इसके साथ साथ ये आप ध्यान में रख लेना चाहिए, सो मिनिमम आपको एक दिन देना है OPD बेस्ड आप इलाज करवाना चाहते हैं तो, अदरवाइज मरीज को आप अंदर भर्ती करवाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक आपको समय देना है। सो दो लोग उनके साथ रहना है। सो ये आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको लगा होगा कि ये आपसे आपको मदद मिला है, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अगले बहुत वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।